Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. देखो लास्ट क्वेश्चन नहीं हुआ और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था वो भी नहीं हुआ। डेल यू अपन डेल टी प्लस डेल यू अपन डेल एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू वन फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर और टी ग्रेटर देन जीरो। मुझे एक कंडीशन गिवन है यू एक्स कोमा जीरो इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू आर। हाँ लास्ट क्लास में क्वेश्चन करवाया था लिखवाया था मैंने करवाया नहीं था लिखवाया था। अब देखो पर्टिकुलर फॉर्म है या नहीं है। पर्टिकुलर फॉर्म किसकी की बिने पी और क्यू की। अगर जो फंक्शन की बिने वो पी की बिने और एक क्यू की बिने तो हम पर्टिकुलर केस अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर मैंने लेट किया लेट पी इक्वल टू ए तो q की वैल्यू क्या मिलेगी q इक्वल टू क्यू प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस ए स्क्वायर तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा z इक्वल टू ए एक्स प्लस वन माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई प्लस बी। अगर मैं पर्टिकुलर केस पी क्यू की फंक्शन कंसिडर करता हूं तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन लिख सकता हूं। मैंने सॉल्यूशन लिखा z इक्वल टू ए एक्स प्लस वन माइनस ए वाई वन माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस बी। अब मुझे कंडीशन की भी नहीं x इक्वल टू एक्स यू एक्स कोमा जीरो इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर यही तो कंडीशन है। तो यहां पे अगर मैं कंडीशन पुट करता हूं x की वैल्यू x y की वैल्यू जीरो z की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो यहां से इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। ये x में क्वाड्रेटिक है। अगर ये x में क्वाड्रेटिक है तो एलिमिनेट कर सकते हो। इसका एनवेलप क्या होगा डायरेक्ट स्टेटमेंट यूज कर सकता हूं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अगर मैं एनवेलप फाइंड आउट कर दूं तो ए स्क्वायर माइनस फोर बी इक्वल टू जीरो ए स्क्वायर माइनस फोर बी इक्वल टू जीरो तो बी इक्वल टू क्या मिलेगा ए स्क्वायर बाई फोर। अगर मुझे ए और बी में रिलेशन मिला तो जो गिवन सॉल्यूशन था वहां से बी को एलिमिनेट कर सकते हो। अगर यहां से एलिमिनेट करोगे तो जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस वन माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर बाई फोर। अब ये इक्वेशन जो ये इक्वेशन गिवन है ए में क्वाड्रेटिक है या नहीं। अगर ए में क्वाड्रेटिक बनाओगे तो इसका भी सिंगुलर सॉरी एनवेलप होगा या नहीं होगा। ए में क्वाड्रेटिक बना दो ए एलिमिनेट हो जाएगा। अगर मैं ए में क्वाड्रेटिक बनाता हूं तो यहां से इक्वेशन मिलेगी फोर जेड फोर ए एक्स प्लस फोर वन माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वन माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर। तो यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लो ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो फोर वाई माइनस वन फोर सॉरी ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं यहां से तो ए स्क्वायर वन माइनस फोर वाई प्लस फोर ए एक्स प्लस फोर वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो ये वैल्यू मिलेगी या नहीं। इस टर्म को शिफ्ट कर दो यहां से ए स्क्वायर कॉमन लोगे ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहां पे तो वन आएगा यहां से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो माइनस फोर वाई आएगा। ये चीज समझ आई या नहीं। ए में क्वाड्रेटिक है तो इसका एनवेलप फाइंड आउट कर सकते हो। एनवेलप फाइंड आउट करोगे तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन वाई माइनस जेड इंटू वन माइनस फोर वाई इक्वल टू जीरो।
1 माइनस 4y इक्वल टू 0। अब यहां से देखो, अगर 16 से डिवाइड करूंगा तो यहां से इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस जेड इंटू 1 माइनस 4y। यहां से y माइनस जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 4y। तो z इक्वल टू क्या मिलेगा, z इक्वल टू y माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर प्लस कर सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं 4y माइनस 1। अब जो तुम्हें होमवर्क सेकंड क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन भी कुछ ऐसा ही गिवन है, z इक्वल टू एक्स वाई अपॉन y माइनस टू। जैसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया ऐसे उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेम है या नहीं। अब इसका फर्स्ट ऑप्शन रीड करो, फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है u x कोमा t एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r और फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। अगर मैं y की वैल्यू 1/4 पुट कर दूं, 1/4 पुट कर दूं, तो क्या ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, नहीं होगा। सो ये समझ आया नहीं है? सेकेंड ऑप्शन में क्या गिवन है, यू एक्स कोमा टी का मॉड टेंस टू इन्फिनेटिव फोर सम बोला ना, हाँ फोर सम टी स्टार, यानी कि फोर सम वाई। अगर मैं वाई की वैल्यू फोर पर्टिकुलर वैल्यू ले लेता हूं, वाई इक्वल टू 1/4, तो 1/4 पुट करता हूं तो ये वैल्यू किस पे जाएगी, इन्फिनेटिव पे। तो सेकेंड ऑप्शन ट्रू हो गया, नहीं होगा? सेकेंड ऑप्शन ट्रू हो गया। अब थर्ड ऑप्शन में क्या गिवन है, यू एक्स कोमा टी लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर और फॉर ऑल टी लेस देन 1/4। तो यहां पे कंडीशन है यू एक्स कोमा टी लेस देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर और टी लेस देन 1/4 ऐसा सोच रहे टी क्या वाई कर देता हूं, वाई लेस देन वन बाई फोर। वाई की वैल्यू लेस देन 1/4 ले लेते हैं, कोई भी वैल्यू ले लो। सपोज करो यहां पे 1/8 ले लो, एक्स की वैल्यू जीरो कर दो। अगर तुमने एक्स की वैल्यू जीरो कर दी तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, पॉजिटिव होगी या नहीं? तो पॉजिटिव, तो ये वैल्यू ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, नहीं हो गया? उन्होंने फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए बोला, इस ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं वो, फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला, यू एक्स कोमा टी ग्रेटर देन जीरो फोर सम, यानी कि फोर सम एक्स बिलोंग्स टू आर और जीरो से ग्रेटर देन टी लेस देन 1/4। मैं वाई की वैल्यू जीरो से ग्रेटर देन और 1/4 से लेस देन, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले सकता हूं, और x इक्वल टू जीरो ही पुट कर देता हूं, x इक्वल टू जीरो। तो फोर सम बोला या नहीं बोला? तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया, सेकंड और फोर्थ? समझ में आ गया नहीं है? अब तो गलत हो जाता, हाँ बिल्कुल गलत हो जाता, क्योंकि फोर ऑल, ठीक है, फोर सम वर्ड है तो सही है, अदरवाइज गलत है। ऐसे इस क्वेश्चन पे भी तो ऑप्शन डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आया नहीं है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो मेरा फर्स्ट टॉपिक जो भी था, फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। फर्स्ट टॉपिक में एक चीज छोड़ दी है, वो सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, कैरेक्टरिस्टिक कर्व, नॉन लीनियर इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक कर्व, उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है। शीट नंबर 1 जो बुकलेट की शीट 1 है उसमें क्वेश्चन नंबर 9 या क्वेश्चन नंबर 8 है उसे छोड़ देना, और एक लास्ट ईयर के जो पेपर में क्वेश्चन आया एक उसे छोड़ देना, बाकी के जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने पढ़ा पहली शीट कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है? कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो तुमसे नहीं अटेम्प होगा। जिन लोगों ने ट्राई किया शीट उसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, और मैं तुमसे बोल भी रहा हूं अगर किसी के पास कोई भी क्वेश्चन है इस इन्फॉर्मेशन से मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दूं। अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन दे दो, मैं बोर्ड पे करवा दूं,
ठीक है, कोई भी क्वेश्चन जहां भी तुम्हें मिलता, कहीं से नेट से सर्च कर रहे हो, नेट से ले आओ, या कहीं और किसी टॉपिक कहीं से भी मिल रहे हैं क्वेश्चंस, या किसी पर्टिकुलर बुक पढ़ रहे हो, उन बुक से ले आओ, वो सारे क्वेश्चन जितनी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है इससे अटेम्प्ट हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, यानी कि वैसे तो जितने भी कैलकुलेशन करते हैं ना, यहीं तक का सबसे ज्यादा वेटेज, अब बाकी के जितने भी टॉपिक हैं वो बहुत छोटे छोटे टॉपिक, कल डिस्कशन है, आपका टेंशन मत लो, कल या परसों में ही डिस्कशन है टेस्ट में। ठीक है, टेस्ट का डिस्कशन है और सीट का भी डिस्कशन है। और अब लिखो, अब मैं दो टॉपिक है मेरे पास, एक तो कांस्टेंट कोफिशिएंट, जनरल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट, और एक सेकंड ऑर्डर वेरिएबल कोफिशिएंट। वेरिएबल कोफिशिएंट दोनों टॉपिक को कंबाइंड करके भी क्वेश्चन बनता और सेपरेट भी बनता। तो पहले कुछ डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, फिर उसके बाद टॉपिक बताऊंगा कि किस टाइप से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं तुम्हारे एग्जाम। लिखो, जनरल दी जनरल सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आप CSIR नेट या IIT JAM मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें ऐप घर बैठे बैठे। CSIR नेट IIT JAM की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गेट 40,000 प्लस क्वेश्चन बैंक ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एब्सोल्युटली फ्री। डाउनलोड डिप्स अकेडमी मोबाइल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर लर्निंग वीडियोस एंड डिस्काउंट ऑन वीडियो कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। डिफरेंशियल इक्वेशन दी जनरल सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। टू वेरिएबल इज ऑफ द फॉर्म एफ एक्स वाई यू यू एक्स यू वाई यू एक्स यू वाई डेल स्क्वायर यू या फिर यू एक्स एक्स यू एक्स वाई और यू वाई वाई इक्वल टू जीरो। मेरे पास कोई भी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर, जिसमें कितने वेरिएबल हैं, टू वेरिएबल के लिए जनरल फॉर्म डिफाइन कर रहा हूं। उसके बाद यहां पर तीन टाइप की डेफिनेशन आती है। सबसे पहली डेफिनेशन वही लीनियर, सेमी लीनियर और कॉसी लीनियर। तो सबसे पहली डेफिनेशन लिखो कॉसी लीनियर। सबसे पहली डेफिनेशन कॉसी लीनियर, इट इज लीनियर इन द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एंड यहां पे ब्रैकेट में लिख लो सेकंड ऑर्डर। इट इज लीनियर इन हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ब्रैकेट में लिखो सेकंड ऑर्डर, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड ऑर्डर की। एंड इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स वाई यू यू एक्स यू वाई यू एक्स एक्स प्लस टू एक्स वाई यू यू एक्स यू वाई यू एक्स वाई प्लस सी एक्स वाई यू यू एक्स यू वाई यू वाई वाई इक्वल टू डी एक्स वाई यू यू एक्स यू डी एक्स वाई यू यू एक्स और यू वाई टू बी है। हाँ टू बी ठीक है। अब इसका रीजन भी बता देता हूं, हम कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन लिखते हैं या नहीं लिखते, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई। देखो बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये वहीं से जनरलाइज किया गया,
यानी कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जैसे इसको मैट्रिक्स फॉर्म से रिलेट कर देते हैं, तो यहां पर भी हम मैट्रिक्स फॉर्म से रिलेट कर लें सबसे बाद में। तो अभी मैं जनरल फॉर्म तो उन्होंने यही डिफाइन करी, अब सेकंड फॉर्म लिखो। फर्स्ट फॉर्म मेरे पास गॉसियन लीनियर, सेकंड फॉर्म लिखो सेमी लीनियर, सेमी लीनियर। सेमी लीनियर में लिखो इफ द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इफ द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इफ द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज वन, इज वन। यानी कि यू एक्स एक्स, यू एक्स वाई और यू वाई वाई की डिग्री कितनी होनी चाहिए? वन होनी चाहिए। एंड द कोफिशेंट, एंड द कोफिशेंट, एंड द कोफिशेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑफ द हाईएस्ट, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव शुड कंटेन ओनली, शुड कंटेन ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड ऑफ द फॉर्म of the form a x comma y into u x x, u x x to b x comma y u x y plus c x comma y into u y y equal to d x comma y, d x comma y u u x or u y। UY. देखो दोबारा से बोल देता हूं, ए एक्स कोमा वाई यू एक्स एक्स प्लस टू बी एक्स वाई यू एक्स वाई प्लस सी एक्स कोमा वाई यू वाई वाई इक्वल टू डी एक्स वाई यू यू एक्स यू वाई। ठीक है, अब थर्ड फॉर्म लिखो लीनियर, थर्ड फॉर्म लिखो लीनियर। लीनियर में लिखो ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन is said to be linear, is said to be linear, a partial differential equation is said to be linear if the degree of dependent variable, if the degree of dependent variable, if the degree of dependent variable and all of its derivative and all of its derivative is one, is one, and coefficient of dependent variable, and coefficient of dependent variable, coefficient of dependent variable and its derivative, and its derivative, and its derivative should contains, should contain only independent variable, only independent variable, and of the form, of the form a x comma y u x x plus 2b x comma y u x y c x comma y into u y y equal to d x comma y, equal to d x comma y।
डी एक्स कोमा वाई, नोट किया। अब देखो मेरे पास तीन डेफिनेशन है सेकंड ऑर्डर वेरिएबल कोएफिशिएंट, जो सेकंड ऑर्डर हम लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डिस्कशन कर रहे हैं वहां पर मेरे पास तीन डेफिनेशन है, लीनियर, सेमी लीनियर और कॉसी लीनियर, लीनियर, सेमी लीनियर और कॉसी लीनियर। मैं जो सॉल्व करेंगे या जितना भी हम डिस्कशन कर रहे हैं वो सिर्फ सेमी लीनियर पर करें, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस अराइज हुए हैं या नेट में, गेट में, किसी और एग्जाम में, उस सारे के सारे क्वेश्चंस किस पे पूछे गए हैं, सेमी लीनियर। और सेमी लीनियर पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो तीन ही टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, ये नोट किया नहीं किया। अब मैं तुमसे एक चार्ट बना रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान रखने की, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी चार्ट के अकॉर्डिंग। मैंने यहां पे लिखा सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखो यहां पर हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और एलिप्टिक। सेकंड में लिखो हाउ मेनी करेक्टरिस्टिक कर्व, हाउ मेनी करेक्टरिस्टिक कर्व। और थर्ड पॉइंट में लिखो रिड्यूस, रिड्यूस इनटू कैनोनिकल फॉर्म, रिड्यूस इनटू कैनोनिकल फॉर्म। और कैनोनिकल फॉर्म भी मेरे पास तीन ही टाइप की, एक तो हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और एलिप्टिक। ये नोट किया। अब देखो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज्यादा वेटेज इस पार्ट का रहा, जहां से हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और एलिप्टिक के क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। और इस क्वेश्चंस का वेटेज 90% है। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. यानी कि कोई एक आध ऐसा पेपर होगा नेट का, सीएसआई नेट ने, जिसमें इस पोर्शन से क्वेश्चन नहीं पूछा होगा, कोई एक दो पेपर। अदरवाइज जितने भी पेपर है ना, जितने तुम्हारे हाथ में पेपर हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उन सारे पेपर में एक क्वेश्चन 100% इस पोर्शन से पूछा गया, और वो क्वेश्चन तुम लोग सभी लोग सॉल्व कर सकते हो। बस तुम्हें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए और थोड़ा सोच सकते हो। तो मैं करवाऊंगा क्लास में भी, ऐसा नहीं कि कराऊंगा नहीं। सेकंड, इस पोर्शन से क्वेश्चंस 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे गए, जो ये सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पोर्शन है, हाउ मेनी करेक्टरिस्टिक कर्व, यहां से कितने क्वेश्चंस पूछे गए टोटल, 2 या 3 क्वेश्चंस। और जो ये लास्ट पार्ट है हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और इलिप्टिक, यहां से तो 2 ही क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो तुम्हें समझ आ गया नहीं आ गया कि अगर सेकंड ऑर्डर वेरिएबल और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और इलिप्टिक। और ये क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। हमें मालूम है ना यहां से क्वेश्चन आएगा, अब बस कंडीशन याद होनी चाहिए, कंडीशन एक याद होगी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आ गया, रफ कर दूं। अब हेडिंग डालो सेकंड ऑर्डर लिखो, सेकंड ऑर्डर सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर सेमी लीनियर, सेकेंड ऑर्डर सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेट टू बी, इज सेट टू बी सेकेंड ऑर्डर
इज सेट टू बी सेकेंड ऑर्डर सेमीलीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट कैन बी पुट इन द फॉर्म, इन द फॉर्म आर एक्स वाई यू एक्स एक्स प्लस एस एक्स कोमो वाई यू एक्स वाई प्लस टी एक्स कोमो वाई यू वाई वाई प्लस एफ एक्स वाई यू यू एक्स यू वाई इक्वल टू जीरो, एफ एक्स वाई यू यू एक्स यू वाई इक्वल टू जीरो, वेयर वेयर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, वेयर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो एंड आर एस टी आर कंटिन्यूअस, वेयर एंड आर एस टी आर कंटिन्यूअस फंक्शन, आर कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, आर कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। अब ये बताओ कि जो ये सेकेंड ऑर्डर सेमीलीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है यू एक्स एक्स को हम पार्शियल डेरिवेटिव आर बोलते हैं या नहीं बोलते? आर का मीनिंग भी तो यही होता है आर इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और एस इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई और टी इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो इसको इस फॉर्म में भी तो एक्सप्रेस कर सकता हूं और सेकेंड फॉर्म कुछ ऐसे भी तो लिखते हैं आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड जेड एक्स जेड वाई या फिर पी क्यू इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हो यानी एफ आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू जीरो। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हमने डेफिनेशन का डिस्कशन किया कि पर्टिकुलर क्या फॉर्म है ये है और यहां पर आर एस टी नॉट इक्वल टू क्या होनी चाहिए जीरो और आर एस टी कैसी फंक्शन है कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन किसकी एक्स और वाई। अब हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ क्या बोल रहे हो किसको इसको अगर ये जीरो हो गए ना तो ये सेकंड ऑर्डर डिफाइन नहीं होगा इनमें से अगर तीनों में से तीनों ही जीरो हो गए मतलब अगर ये तीनों जीरो हो गए इनका सम स्क्वायर का सम जीरो हो गया ऐसा हो सकता है दो जीरो हो जाए दो जीरो हो जाए तो तीसरे का स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो होना ही पड़ेगा। अगर दो जीरो हो गए ये दोनों जीरो हो गए तो इसे सेकंड ऑर्डर डिफाइन होने के लिए टी को भी तो नॉट इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। ये कब जीरो हो सकता है इक्वल टू ये है आर स्क्वायर ऐसा सोचते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो एक केस ही तो पॉसिबल है जब एक्स भी जीरो हो और वाई भी जीरो हो तो इसीलिए अगर ये तीनों क्वांटिटी जीरो हो गई यानी कि आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो गए तो ये कब पॉसिबल है जब आर भी जीरो हो एस भी जीरो हो और टी भी जीरो। तो इसका मतलब कि अगर यही पार्ट जीरो है तो ये सेकंड ऑर्डर सेमीलीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन होगी नहीं होगी ना तो इसीलिए ये कंडीशन गिवन होती है आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो। आप CSIR NET या IIT JAM Math Batches ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें ऐप घर बैठे बैठे CSIR NET IIT JAM की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गेट 40,000 प्लस क्वेश्चन बैंक ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एब्सोल्युटली फ्री। डाउनलोड डिप्स अकेडमी मोबाइल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल फॉर मोर लर्निंग वीडियोस एंड डिस्काउंट ऑन वीडियो कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए।